विकसित भारत संकल्प यात्रा पर बोले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा में मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी मुडवारा विधानसभा के ग्राम पांडुआ पंचायत में आज सभी हमारे हितग्राही पहुंचे थे और आज प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनकर सबने बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री की योजनाओं से लाभान्वित लोग भी हैं और जिनका लाभ नहीं मिला, अन्य विभागों के सभी अधिकारी और काम करने वाले लोग यहां भी उपस्थित हैं। ऐसे लोगों को जो आज जोड़ा गया है उन्हें पहले नहीं जोड़ा गया था, हेल्थ की दृष्टि से उनका चेकअप भी हो रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरे संसदीय क्षेत्र के भी बड़ी संख्या में लोग जुटे और कई प्रकार से लोग लाभान्वित हो रहे हैं और यह ऐतिहासिक काम आज तक के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। गांव गांव जाकर विकसित भारत संकल्प यात्रा में मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंच रही है। जिन्हें हितग्राहियों को लाभ नहीं मिला उन्हें प्रत्यक्ष लाभ से जोड़ने का काम इस यात्रा के माध्यम से हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से आज पुनः एक बार अभिनंदन करता हूं। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा में मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी मुड़वारा विधानसभा की पेड़ुआ पंचायत में आज यहां पर सभी हमारे हितग्राही आज यहां पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री जी का संबोधन सबने सुना है और बड़ी संख्या में माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं से लाभान्वित लोग भी हैं और जिनको लाभ नहीं मिला है, ऐसे आयुष्मान भारत से लेकर के अन्य अन्य विभागों के जो लोग यहाँ पर सभी अधिकारी और काम करने वाले लोग सब यहाँ पर उपस्थित हैं। इसलिए ऐसे लोगों को भी आज जोड़ा गया है कि जिन्होंने हेल्थ की दृष्टि से उनका चेकअप भी हो रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा में अपने मेरे संसदीय क्षेत्र के भी आज बड़ी संख्या में लोग जुड़े और कई प्रकार से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ये ऐतिहासिक काम आज तक के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया कि गांव-गांव जाकर के विकसित भारत संकल्प यात्रा में मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंच रही है और जिन हितग्राहियों को लाभ नहीं मिला है उन्हें प्रत्यक्ष लाभ से जोड़ने का काम इस यात्रा के माध्यम से हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी का पुनः एक बार अभिनंदन करता हूं।